ओए मुन्ना कौन सा वाला घर था? यहीं पे कहीं पे था ना? पता नहीं भैया, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये वाला है क्या? ये वाला तो एकदम साफ सुथरा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके इधर भी नहीं है। ए भैया ये है क्या? ओ ये तो लगता है घर का डिजाइन ही ऐसा है। ए भैया देखो ना, लगता यही है। ए इधर आने का। अच्छा इस वाले की बात कर रहा है। वैसे घर तो मुन्ना काफी पुराना लग रहा है मुझे। ये इस पे क्लीन करने की जरूरत भी है क्या? हाँ इसी को क्लीन करना है भैया, ये देखो। ओ अच्छा समझ गया ना। जाओ भैया क्लीन करने का। हाँ ठीक है। ओए रुक जा, इस पे हम लोग अपनी ड्राइंग भी बना सकते हैं। ओ क्या बना रहे हो? ओके ये देखो, रुको भैया, ये बना हुआ अभी सही लग रहा है ना? और ये क्या चीज है? हे भैया देखो ना, हम लोग का फेस बन गया। हाँ ये तो बिल्ली का फेस है। सही लग रहा है। हेलो भैया। ओए दिमाग मत खराब कर, तूने पूरी पेंटिंग बिगाड़ डाली। वरना कितनी अच्छी आर्ट थी ये। अरे आर्ट छोड़ो भैया, पहले घर देखने दो। बाप रे बहुत बड़ा घर है ये तो। ओए चल कोई ना, कॉन्ट्रैक्ट वैसे बाप नहीं दिया होगा जहाँ तक मुझे पता है। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा। चल ठीक है, वैसे इसको भी आज कंप्लीट करके जाएंगे। हाँ भैया कंप्लीट तो करना ही है। ओके चलो भैया क्लीनिंग शुरू कर दो। ओके चलो दोस्तों, अभी अपने पावर वॉश का कमाल दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यस गाइस, चलो जल्दी जल्दी साफ करने का भैया, कुछ भी चीज नहीं छूटने का। ओके गाइस अभी हम लोग को अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी। भैया इस घर को पूरा साफ कर डालेगा मुन्ना। ये घर काफी हॉरिफिक लग रहा है। डरावना तो लग रहा है। लेकिन भैया कौन सा हम लोग को घर के अंदर जाना है यार? जाना तो नहीं है, लेकिन ये घर काफी बड़ा दिख रहा है। बड़ा तो है ही है भैया, लेकिन साफ भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि भैया नॉर्मल सा घर तो है। ओए नॉर्मल तेरे लिए लग रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल दिख नहीं रहा है। ओए अरे भैया क्या डरते हो यार? भैया भूत वगैरह से कौन सा डरना हो? ओए मुन्ना मुझे हॉरर टाइप का घर लग रहा है, क्या पता अंदर भी सफाई करनी पड़े तो। ए भैया अंदर क्यों जाएंगे यार? वैसे भी मुझे अंदर नहीं जाना है भैया, कॉन्ट्रैक्ट बाहर का ही सफाई का मिला है। अच्छा ये बात है, तब तो ठीक है, लेकिन मुन्ना अगर अंदर जाना पड़ा तो। ए भैया डोंट वरी यार, सफाई करो ना चुपचाप से। हाँ ठीक है वही कर रहा हूँ मैं दोस्तों, पूरा क्लीन कर डालूंगा मैं। मुन्ना आगे क्लीन कर रहा हूँ ठीक है ना, तो पीछे का पूरा पार्ट संभाल लेना। हाँ डोंट वरी भैया, पीछे का तो एकदम मस्त चमका डालूंगा। कहीं भी भैया दीवारों में आपको दाग नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, एकदम रिंग बार लगा के मारना खटाक से, मुन्ना पूरा का पूरा घर ही क्लीन हो जाएगा। ए यार भैया हम लोग को इसको वॉश करना है, वॉशिंग मशीन में थोड़ी डालना है। हाँ ठीक है समझ गया, वैसे ये घर कितना गंदा हो जाता है। पहले मैंने सोचा मुन्ना ये घर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ऐसा दिखता ही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये घर सही में गंदा है। गंदा तो है भैया, कुछ ज्यादा ही गंदा है। चलो गाइस इसको मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हुआ। ओके गाइस ऑलमोस्ट ये दीवार होने आई है। वैसे मैंने इस दीवार को चमका दिया है, ये देखो एकदम चमकने लगी है ना। हे ओए दीवार चमका के ज्यादा खुश मत हो, अभी बहुत काम है पता है ना? पता है भैया पता है। ओके ये देखो, ए देखा गाइस पाइप चमका ना, मतलब पाइप वाला एरिया ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है गाइस, अभी ये वाला भी। ओके अरे बाप रे कितना कचरा था इधर, लेकिन गाइस अभी इतना देख सकते हो, इतना क्लीन हो गया, अच्छा भी लग रहा है। हे भैया वैसे आपने भी कितनी क्लीनिंग डन की है। अच्छे तू अभी मेरी क्लीनिंग देखने आएगा? हाँ भैया देखना तो बनता है। ओके नाइस भैया बहुत सही, साफ करो। ओए चल निकल यहां से, ऑर्डर मत दे मुझे। हाँ भैया ऑर्डर नहीं दे रहा हो, बिना बुरा मान जाते हो। अरे बाप रे गाइस सीढ़ी कितनी गंदी है, सब कुछ साफ कर डालूंगा बिकॉज आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट? ओए तू बेस्ट है तो इसलिए सफाई मस्त करता है, और नहीं तो क्या भैया। देखो भैया मेरा योगदान इस सफाई में कितना रहता है, आप खुद ही देखोगे। ओए तो मेरा भी तो उतना ही रहता है। मैं भी रहता होगा और क्या। मैं भी ओए इतनी मार मारूंगा ना कि पगला जाएगा। चुपचाप से सफाई कर, अभी आ रहा हूं मैं भी चेक करने। ओए हाँ भैया चेक कर लेना, डरता थोड़ी हुआ। ओए डरना भी चाहिए तुझे, ठीक से सफाई करियो, कुछ भी कचरा बचना नहीं चाहिए। ओए हले हले सफाई करते जाओ भैया, ताकि घर एकदम क्लीन हो जाए। हले हले ओए हले हले कौन सफाई करता है? जैसे मैं करता हूँ। ये देखो गाइस एकदम स्टेयर्स तो देखो ना, क्लीन हो चुकी है। ए भैया क्या पता आज बाप फिर आए। ओए बाप क्या करने आएगा, वो नूपड़ा क्या करने आएगा इधर? ए भैया शायद से आया। ओए शायद क्या, उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए मुन्ना, उसका काम भी क्या है यहाँ पे।
ए भैया क्यों नहीं यार, भैया वो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है यार, वो एक कॉन्ट्रैक्टर होगा अपने लिए, कॉन्ट्रैक्ट अब हम लोगों ने ले लिया ना। ए भैया हम लोग तो सिर्फ काम कर रहे हैं यार। हे वो अच्छा वो हमने, लेकिन पैसे तो हम लोग बराबर ही लेंगे। हाँ वो तो भला लेंगे ही भैया। चलो गाइस इधर से हो गया क्लीन, और बाप रे इधर से गंदा है। ओके इसको भी चमका डालूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ चमक जाएगा। हाँ चमका ले अच्छी तरीके से, कुछ बचना नहीं चाहिए, समझ रहा है ना, ताकि मैं देखने आऊँ तो बॉब को कम से कम बता सकूँ कि मैंने सारा का सारा सब कुछ क्लीन कर दिया है। ओए ए भैया आप थोड़ी सिर्फ क्रेडिट ले सकते हो। ओए क्यों नहीं ले सकता, तेरा बड़ा भाई हूँ, दिमाग मत खराब करना। ओए ओके गाइस इधर की भी रेलिंग चमक चुकी है, अभी इसके बाद रूफ वाला एरिया। ए इधर क्या कर रहे हो, जा रहे का इधर से, निकलो इधर से। ओए मैं क्लीनिंग करने आया हूँ, जाओ इधर से निकलो यहाँ से। भैया मेरा एरिया है, आगे का साफ हो गया क्या? ओए हाँ ऑलमोस्ट हो गया था। ऑलमोस्ट क्या होता है, पूरा क्लीन करना पड़ता है। ओए तो तू जाके साफ कर उसको, मैं क्यों करूंगा। आपने वो एरिया भैया चुना है तो आप ही करो। बाप रे गाइस भैया चीटिंग करते यार, चीटिंग क्या हो गया नूब बड़े दोस्त, बहुत रोता है ये। ए मैं नहीं रो रहा, पता है किसको कौन कितना रो रहा है। ए देख रहे हो गाइस भैया कितनी चीटिंग करते हैं। ओए तू मुझे चीटर बोल रहा है, और नहीं तो क्या भैया। आप डायरेक्ट आगे से पीछे आ गए, क्योंकि आपको लगता है पीछे मैंने ज्यादा क्लीनिंग कर दी ना, तो बॉब को दिखाना पड़ेगा। ए भैया पीछे का एरिया मैंने ले लिया, तो उसको मैं ही क्लीन करूंगा। हाँ ठीक है जिया, बस जा उसमें जाके। ए भैया घर में कैसे बसूंगा यार, या बीरा भैया। चलो इधर का भी क्लीन कर देते हैं मस्त तरीके से। बाप रे कितना बड़ा घर है भैया ये। ओए घर तो काफी बड़ा है मुन्ना, इतना बड़ा है कि साफ करते करते जिंदगी बीत जाएगी। आई डोंट थिंक सो भैया कि जिंदगी उंदगी बीतेगी। बाकी भैया मैं तो इसको अभी 30 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। क्या बात कर रहा है, इतना फास्ट है? ओए इतना फास्ट तो कोई नहीं मुन्ना, कैसे कंप्लीट करेंगे। अभी देखते जाओ भैया मेरा जादू। ओए तेरा कौन सा जादू है, अभी भी हम लोग को 1 स्टार पे हम लोग चल रहे हैं, पता है ना ये भैया। 1 स्टार 5 स्टार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओए क्या मेरा कद्दू का 39% अभी कंप्लीट हुआ है, और दोस्तों स्टिल हम लोग 1 स्टार पे जी रहे हैं। अरे भैया आप स्टार क्या देखते हो भैया, बस क्लीनिंग देखो, वो देखो 2 स्टार भी हो गया। ओ अच्छा हो गया, वो अच्छी बात है 2 स्टार हो गया, हम लोग को 5 स्टार की जरूरत है मुन्ना, भूल गया क्या? अरे भूला क्यों भैया, भूलूंगा तो कभी जिंदगी नहीं। हे सब कुछ क्लीन कर डालूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे यार भैया आगे का तो आपने लिटरली कुछ भी नहीं साफ किया। ऐसी बात नहीं मुन्ना, मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ। क्या क्लीनिंग कर रहे हो भैया, जमीन भी देखो कितनी गंदी दिख रही है, कुछ भी नहीं कर रहे आप। ओए चल ज्यादा बकवास मत कर मुझसे, मैं मुन्ना तुझसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। वो दिख ही रहा है, देख रहे हो गाइस भैया कितना जल्दी जल्दी झूठ बोल रहे हैं। ओए झूठ वो भी जल्दी जल्दी, भला मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि भैया आप क्लीनिंग तो कर नहीं रहे, बस बकवास कर रहे हो। हे ओके ये देखो गाइस, इन सब चीजों का अगर ध्यान रखा जाए ना तो ये चीजें साफ नहीं होती है। ओके इसको तो मुझे चेक करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके हो जा जल्दी से, और भी इधर है क्या? बाप रे गाइस इन छतों में कितनी यहाँ पे रस जमी हुई है। भैया अभी तक मैंने बैठ के क्लीन किया है, ओए तो मैंने मुन्ना सब कुछ खड़े होकर क्लीन किया है। अरे यार भैया बोल रहा था यार अभी तक क्लीन कर रहा था, आपने कितना क्लीन किया। ओके ये वाला पार्ट, अरे भैया इसको कौन साफ करेगा, ये आपका एरिया है। एरिया क्या होता है, दोनों मुन्ना सब कुछ बटा थोड़ी है, मुन्ना जो मिलेगा वो साफ करेंगे मिलके। ए यार भैया गलत बात, ए यार भैया ये गलत बात है यार। ओए गलत बात क्या, सब कुछ सही बात है, जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने का मुन्ना, हम लोग को देरी नहीं चाहिए, समझ गया ना। ए यार भैया आप ही देरी कर रहे हो, मैं तो एकदम मस्त क्लीन कर रहा हूँ। ये देखो गाइस मेरे सारी की सारी रूफ यहाँ की क्लियर कर दी, देखो ना एकदम चमकने लगी है। एंड भैया अरे क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, लिटरली कुछ भी नहीं किया है। ओए ज्यादा नहीं बोलने का मुन्ना, समझ रहा है ना भैया, तेरा डेंजर है तेरे लिए। ए जाओ ना भैया। ओके गाइस चलो मैं फ्रंट का एरिया मैं साफ कर देता हूँ, भैया तो आलसी हो जाएंगे। ओए आलसी नहीं बोलने का मुझको, नहीं तो उठा के मुन्ना फेंक दूंगा तुझे मैं। आप क्या फेंकोगे, मैं ही आपको फेंक दूंगा। ओ अच्छा मार खाएगा क्या, चुपचाप से क्लीनिंग कर। हाँ क्लीनिंग तो कर ही रहा हूँ भैया, उतनी देर से जब से आया हूँ तब से भैया क्लीनिंग तो कर रहा हूँ, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। ओए तू तो भड़क गया भैया, बार बार आप यही चीज बोल देते हो, लड़ना मैं लड़ नहीं रहा भैया, बस बता रहा था। और नहीं तू तो लड़ने के मूड में ही आ चुका है मुन्ना, आपको जैसा लगे फिर भैया वैसा समझो। क्योंकि भैया अपना अपना एरिया ले ले ज्यादा बेटर रहेगा। एरिया और ये क्या होता है मुन्ना, एरिया और ये कुछ नहीं होता है। ए भैया चलो मुझे क्या है, मैं तो क्लीनिंग कर देता हूँ, नहीं तो आप मुझे इस तरह से ना अपने एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। मैं क्यों तुझे एक्सक्यूजेस दूंगा, पगला गया क्या।
ओके गाइस, ये देखो चमकने लगा है, बस इसको थोड़ा सा चमकाना है, आराम से चलेगा, कहीं गिर ना जाओ। ओके चमक गया, लेट्स गो। चलो इधर का भी एरिया बचा हुआ है थोड़ा सा है। ओके तो गाइस फाइनली ये वाली रूफ भी डन हो चुकी है, एंड हम लोग का जो वर्क है वो है 83% यहाँ पे डन हो चुका है। तो चलो अभी इस चिमनी की बारी, ए चिमनी पूरा साफ कर डालूंगा, टेंशन मत ले, कुछ भी गंदगी नहीं बचेगी। कोई 83% मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। वैसे आप क्या कर रहे हो भैया? ऑलमोस्ट तो मैंने यहाँ पे डन किया है। क्या बोला तूने? क्या बोला? ए भैया मैंने जो बोला एकदम सही बोला, कोई शक? मुझे क्या शक हो सकता है मुन्ना? वेल जॉब मुन्ना, बहुत सही, बहुत सही, क्या वर्क किया है बाप को, पूरा वर्क अपना ही बताऊंगा। अभी गाइस आगे की फ्रंट पोर्शन पे जाने का है मुझे, क्योंकि भैया ने तो कुछ क्लीन किया ही नहीं। ये देखो पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है, भैया कुछ भी नहीं करते। वह क्या बोला तूने? कुछ भी नहीं करता है, पूरा का पूरा क्लीन किया मैंने सामने का। हाँ बता, दिख ही रहा है कितना क्लीन किया है। अभी भैया मुझे आपकी वजह से आगे का पोर्शन भी साफ करना पड़ रहा है, पीछे का तो मैंने साफ किया भी है। चलो गाइस अभी जो विंडो की वुड है उसको भी जल्दी से क्लीन मार देता हूँ। हाँ ये देखो चमक गया ना, हे अभी इस असली वुड की बारी। ओके ये देखो लाल हम लाल, हे भैया घर लाल लग रहा है ना? घर तो पहले से लाल था, बस थोड़ा सा गंदा लग रहा था, वो अलग बात है। ओके गाइस ये पाइप लाइन बची हुई है, ये पाइप में देखो ना कितना जमा हुआ है कचड़ा। ओके ये तो अभी 2 मिनट पे साफ हो जाएगा, ये देखो। ए भैया आपकी पाइप लाइन भी मैंने क्लियर कर दी। ओके तो गाइस 90% यहाँ पे जो काम है वो डन हो चुका है, एंड हम लोग की सीढ़ी ऊपर है, कैसे लेके आऊँ उसको मैं? ए भैया कूद आया गलती से मैं, ऊपर सीढ़ी लेके आऊँ उसको, कैसे जाऊँ ऊपर? कैसे जाएगा? क्या मतलब है कैसे जाएगा? हे सीढ़ी आ जाना। ओके गाइस फाइनली सीढ़ी मिल गई, और बहुत मेहनत लगी भैया, और मिल गई सीढ़ी। हाँ भैया मिल गई। ओके चलो गाइस सफाई चालू करते हैं। ओके बाप रे कितना बचा हुआ है, सब कुछ साफ कर डालूंगा। हे भैया अभी तो इजी लग रहा है, इजी लग रहा है उसको पीजी बनाने का। ए भैया रुक जाओ मैं सीढ़ी लगा के उधर साफ करता हूँ। ओए कोई ना मुन्ना मेरा वॉशर पहुंच जाएगा। अरे ऐसे कैसे पहुंच जाएगा, ये लो मैं पहुंचाता हूँ ना। हे ये देखो और नीचे साफ करने का। हाँ नीचे से कर रहा हूँ। ओके ये देखो भैया कितना गंदा है भैया ये, ओए पता है मुझे गंदा है। ओए सीढ़ी लगेगी, सीढ़ी इधर से लगाऊं क्या? ओए कहीं से भी लगा दे, लगा लेकिन जरूर। हाँ लगा दिया। ओके ये देखो, ओके बाप रे भैया लगता है आपने उधर का क्लियर नहीं किया। 99% डन हो चुका है अपना काम, समझ रहा ना तू? समझ गया? ये वाला आपने डन कर दिया क्या भैया? ओए थोड़ा बहुत बचा होगा और क्या। ओए चल मुन्ना 99% वर्क डन हो चुका है, और जिसमें पहला है विंडो फ्रेम, दूसरा है गटर, और फिर है वुडन ट्रिम्स, वो भी 6-6। ओ गटर, अरे गटर भी है क्या इधर? ओए मुन्ना हम लोग का वर्क ऑलमोस्ट डन होने वाला है, बस 2 वुडन ट्रिम्स और बचे हैं। ओके कौन सा नहीं क्लीन है जल्दी बताने का भैया। ओए तू मेरे मुंह पे क्यों पानी मारा है नूब? ए गलती हो गई भैया। ओए गलती छोड़, जल्दी से क्लियर करने का, समझ रहा है ना तू? 2000 years later। ओए हो गई मुन्ना जॉब कंप्लीट। हे बात सही भैया, वेल डन। ओए हो गई 5 स्टार मिल गए मुन्ना। फाइनली भैया सब कुछ हो गया कंप्लीट। हे आ गया भैया मैं भी। ओए चलो दोस्तों मजा आ गया। अहो वेल डन साथियों, तुमने तो एक दिन में घर निपटा डाला। ओए तू कहां से आ गया? अभी तक तो नहीं आया था, मैं तो रास्ते से आ ही रहा था, मैंने देखा कि घर एकदम क्लियर है। ओए क्लियर तो आई है। चलो दोस्तों वैसे आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टिल एंड टेक केयर, बाय 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 गाइस।